नारनौल में कोरोना की चपेट में आरपीएफ के तीन जवान पाए गए हैं। तीनों जवानों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। जवानों के संपर्क में लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नारनौल में कोरोना की चपेट में आरपीएफ के तीन जवान पाए गए हैं। तीनों जवानों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर ये है कि जिनके संपर्क में ये जवान आए थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन बुरी खबर ये कि आरपीएफ के तीन जवान कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जवानों के संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट को नेगेटिव बताया गया है। अपनी ड्यूटी पर तैनात ये जवान लगातार कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना योद्धाओं की चिंता का विषय लगातार गहराता जा रहा है। जवानों के संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट यहां पर नेगेटिव है। मनोज गोस्वामी, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, हालांकि एक राहत भरी खबर ये जरूर है कि जिनके संपर्क में ये जवान आए थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन बुरी खबर ये भी कि तीनों जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। जी बिल्कुल, राहत भरी खबर पूरे जिले के लिए है, क्योंकि जो तीन लोग दिल्ली से आए थे सिर्फ अभी तक पॉजिटिव उन्हीं में मिले हैं। जो जिले में अभी तक कोई भी संक्रमित नहीं मिल पाया, उनमें से एक व्यक्ति के सैंपल आ चुके हैं जो इनके संपर्क में आए थे, जो इनका ससुर, इन तीनों में से एक का ससुर बताया जा रहा था, उसका सैंपल अभी तक नेगेटिव आया। एक बंदा और है, उसका जो है आज शाम तक रिपोर्ट आने की संभावना है, और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आगे की स्थिति क्या रहेगी। जी, तो क्या इन जवानों को शंका थी, इस वजह से इन्होंने आकर के टेस्ट करवाया और ये ड्यूटी पर तैनात थे? जी, ये लोग ड्यूटी पर तैनात थे, और बताया जा रहा था कि ये तीनों जो है वहां पर जो है दिल्ली के अंदर किसी प्राइवेट जो है लैब में टेस्ट करवा के आए थे, जो करोल बाग में थी, और वहां से आने के बाद ये लोग यहाँ पर अकेले रहने का प्रयास कर रहे थे, और इनको शंका थी, इसीलिए ये लोग टेस्ट करा गए थे। उस टेस्ट में दो लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, एक की नेगेटिव आई थी। जब मामला उजागर हुआ तो इन तीनों के सैंपल और साथ ही जो इनके संपर्क में दो लोग आए थे उनके सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से इन तीनों लोगों के जो आरपीएफ के जवान हैं इन तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और जो इनके संपर्क में इनका ससुर आया था उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, और एक जो अन्य व्यक्ति और संपर्क में था उसकी रिपोर्ट आज शाम तक आनी बाकी है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए मनोज।